गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ पर्सन्स क्लास 7। ठीक है, आज वो एक्सपोनेंट का एक क्लास लिया था आपका, बीच में दो दिन क्लास नहीं लिया है ना, तो आप कुछ बनाए होंगे। और जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ उस प्रॉब्लम को देखिएगा, उसी प्रॉब्लम आधारित पर आपके पास जो अवेलेबल बुक होगा उसी पर आपका क्लास। पहला अगर सिंप्लीफाई लेते हैं, पहला प्रॉब्लम में अगर इस प्रकार से सिंप्लीफाई आपके बुक में होगा जो अवेलेबल बुक है आपके पास, ठीक है, उस 1/3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1/3 क्वेश्चन थोड़े मुझे मेरे याद है, प्लस 1/4 -2 प्लस 1/5 -2, अगर ये सिंप्लीफाई आपके पास है, ठीक है, तो इसको कैसे, पहला बताए थे अगर नेगेटिव पावर हो, सुनिए हमारी बात को, तो उसको पॉजिटिव करना है, यानी उस नंबर का रेसिप्रोकल कर जब रेसिप्रोकल करेंगे उस नंबर को तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलिए, 3, तो 3 पर पावर क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 4 पर पावर क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 5 पर पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 3 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, यानी 3×3 = 9 प्लस 16 प्लस 25, तो हमारे समझ से ऐड करने पर जो ऐसे 50 आएगी। तो सिंप्लीफाई का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से रहेगा, तो आप बनाइएगा, लाओ जो लाओ लिखाए थे, जो रूल लिखाए थे उसी रूल से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम आपके पास रहेगा, ये क्वेश्चन में लिखता हूँ, है ना, क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट नंबर शुड बी वाई, व्हाट नंबर शुड बी डी मल्टीप्लाइड, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके बुक में रहेगा मल्टीप्लाइड, अगर 4/-7 सो डेट द प्रोडक्ट इस प्रकार से है, उसका प्रोडक्ट है 16, प्रोडक्ट इज 16, किस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेट हम क्या करेंगे, लेट नंबर भी x, क्या बोलेंगे, लेट नंबर भी x, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4/-7 × x, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 16 बनता है, ठीक है चलते रहता है, 4/-7 × x इक्वल टू, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दीजिए। अब x इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 4/2 डिवाइड 4/-7, और देखिए नेक्स्ट कॉलम में यहाँ क्या डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड में क्या पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर प्लस, यानी 4/2, ठीक है, प्लस 2 प्लस -7, यहाँ देखिए डिवाइड में रूम में क्या करता है, अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, 4/2 प्लस -7 यानी -3 -5 यानी 1/4 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं जी, शुड मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4/2 है, x इक्वल टू या 4/2 -4/-7, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड का मतलब समझ रहे हैं, 4/2 डिवाइड अगर दिया हुआ है 4/-7 तो यही राइट होगा, कि डिवाइड में पावर क्या होती है, डिफरेंस होती है, प्लस कर दिया, देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, हैंड स्लिप हो रहा था, ठीक है, पावर क्या होती है, डिफरेंस होती है, यानी 4/9, 4/ क्या हो गया, 9, डिवाइड में पावर क्या होती है, डिफरेंस होती है, हैंड स्लिप हो रही थी, यही ना क्लास में और ऑनलाइन पढ़ाई में हैंड स्लिप होता है, तो अगर प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, है ना, अगर मल्टीप्लाई करता है या डिवाइड करता है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है
तो आप इसी प्रकार से नंबर्स को एस मानकर आप उसको एक्सपोनेंट लॉ को यूज कीजिएगा, एग्जांपल के माध्यम समझा दिए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। अगर कहता है कि बाय हाफ नंबर यानी -16 में -1 से अगर डिवाइड किया जाए, लेट बी नंबर एक्स लिखिएगा, डिवाइड पर प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो कहता है कोशेंट -4 पर पावर जो ऐसे -1 हो जाती है, यही क्वेश्चन है। वो मल्टीप्लाई पर क्वेश्चन था ही क्या, डिवाइड पर, तो लेट लिखिएगा, लेट नंबर बी एक्स है ना, तो -16 पर पावर -1 डिवाइड एक्स इजकल टू -4 पर पावर -1। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको भी कीजिए, -4 ठीक है, -4 पर अगर एक डिवाइड का साइन है तो आप इसको जो ऐसे आप 2 लिखिए इंटू -1 लिखिए, डिवाइड एक्स इजकल टू -4 पर पावर -1। अगर ये डिवाइड है ठीक है, यानी डिवाइड का मतलब फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं, यानी -4 2 और -1 गुणा करें तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -2 बाई एक्स, क्या करेंगे बाई एक्स इजकल टू, यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्या होगा 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4 ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इजकल टू क्या होगा -4 इंटू यानी -4 पर पावर क्या हो गया -2, क्या हो गया -2, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर क्या होता है प्लस होता है, यानी -4 पर पावर 1 प्लस -2 यानी -4 पर पावर -1 यानी 1/-4, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो इसी प्रकार से जो ऐसे आपका प्रॉब्लम बेस क्लास है मल्टीप्लाई डिवाइड और सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन और एग्जांपल में आपको लेता हूं, एक क्वेश्चन एग्जांपल, इफ अगर दिया हुआ है, इफ अगर कंडीशन दे दिया हुआ है, इफ 16 × 4 पर पावर n इक्वल टू 4 पर पावर 7 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होती है जो पूछा जाता है। तो अगर क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं ठीक है, 4 पर पावर स्क्वायर इंटू 4 पर पावर n इक्वल टू 4 पर पावर 7। अब देखिए सही बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है सेम है ना, और साइन क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या होता है सेम होता, मल्टीप्लाई पावर क्या होता है प्लस होती है, यानी 2+n इक्वल टू क्या हो गया 7। पावर को ले लिए हैं, पावर बेस अगर सेम हो तो बेस को कैंसिल करते हुए मल्टीप्लाई का जो रूल है वो प्लस हो गया पावर इक्वल टू 7, इसलिए n इक्वल टू 7 प्लस -2 इक्वल टू 5। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आपका बुक में जो भी अवेलेबल है सो रहेगा। आप एक्सपोनेंट को ख़त्म कीजिए, आज एक्सपोनेंट का लास्ट क्लास है, हम नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। थैंक यू, स्टे होम।